चलिए आज बनाते हैं कुल्फी। मौसम कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रहा है, आइसक्रीम खाने से तो इतनी संतुष्टि नहीं होती, इसलिए कुल्फी थोड़ी ठंडक पहुँचाती है। और बच्चों को तो कुल्फी वगैरह बहुत पसंद होती है, बच्चों को बाहर की कुल्फी खिलाने के से बेटर है हम उसको घर में बनाकर खिलाएं, क्योंकि घर की कुल्फी बहुत टेस्टी, स्वादिष्ट और हेल्दी होती है, क्योंकि इसमें हम कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते इसको बनाने के लिए। और ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जो बच्चे दूध नहीं पीते उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैं अपने बेटे को दूध इसी के ज़रिए उसको पिलाती हूँ। तो इसमें हमने आधा लीटर दूध लिया है, उसको बॉयल होने रख देंगे। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि 2 ब्रेड, काजू, बादाम, इनको हम पीस लेंगे। और फूड कलर येलो, इसमें हम फूड कलर डालेंगे दूध में। और ये जो मैंने पीसी हैं चीज़ें, ये इसमें डाल देंगे, थोड़ी सी इलायची भी डाल देंगे। और इसको बॉयल आने तक चलाएंगे और इसको थोड़ा सा उबलने देंगे। ये उबलते उबलते थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, फिर इसमें थोड़ा सा इसको गैस को कम करके इसमें चीनी डालेंगे। कभी कभी ऐसा होता है चीनी डालने से ये थोड़ा सा फटाफटा हो जाता है, लेकिन उसमें कोई टेंशन नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। जब आप इसको ठंडा करके मिक्सी में चलाएंगे तो उसका टेक्सचर सही हो जाएगा। अब आप इसको बॉईल लेते रहेंगे, फिर देखेंगे कि थोड़ी देर बाद इसमें थिकनेस आनी शुरू हो गई है। और जब ये आपको गाढ़ा गाढ़ा लगने लगे तो आप इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर उसको मोल्ड में डालकर फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। मतलब ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन 7-7 घंटे तो उसको चाहिए ही चाहिए। देखिए अब ये बॉयल हो रहा है और देखिए इसमें गाढ़ापन भी आ रहा है। अभी देखिए थोड़ी देर में ये और गाढ़ी हो जाएगी। और ठीक है, देखिए अभी थोड़ा सा और बॉयल होने दीजिए, मैं अभी दिखाती हूँ इसको थोड़ी देर में। इसमें काफ़ी देखिएगा, जब ये थोड़ा सा बुलबुले टाइप के आने लगेंगे ना, तो ये काफ़ी गाढ़ी होने लगेगी। देखिए इसको चलाते हैं, बस चलाते रहिएगा, नहीं तो लगने का डर है नीचे, क्योंकि लग जाएगी तो फिर इसमें स्मेल आ जाएगी, तो ये बेकार हो जाएगी। बस देखिए इसमें ये कितने अच्छे से होने लगी, देखिए गाढ़ी हो गई ना। बस इसी टाइम पर अब इसको हम बंद कर देंगे और फिर इसको ठंडा होने रखेंगे और फिर इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। देखिए ये बनकर शानदार कुल्फी तैयार है और खाने में बहुत टेस्टी है। बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू।